नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। बारिश से स्मार्ट सिटी में दो दो फीट गड्ढे। अलीगढ़ में सड़क पर गिरकर चुटहिल हो रहे लोग। डीएम ने पीडब्ल्यूडी को दिए सख्त निर्देश। महंत बोले, राहुल को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। हिंदू हिंसक बयान पर बुलाई सभा। कहा, पहले हिंदुत्व का ज्ञान ले फिर बयानबाजी करें। भनवापुर में बीडीओ ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। गौशाला का किया निरीक्षण। बोले, पशुओं के लिए हरे चारे का इंतजाम करें। गाजियाबाद में रेल बनवाने पर दो दरोगा सस्पेंड। पहले ही पोस्टिंग में उड़ाई मौज। थार तो कभी आलिशान ऑफिस में बनवाई वीडियो। हाथरस हादसे पर मायावती बोली, सरकार राजनीतिक स्वार्थ में न पड़े। भोले बाबा के खिलाफ एक्शन ले। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। चचेरी बहन से बात करने से रोका तो दो युवकों ने की वारदात। कनपट्टी में दागी दो गोली। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी। पीछे से दो बदमाश आए और चेन लूटी। तेज झटका लगने से औंधे मुंह गिरी महिला। तेजस एक्सप्रेस के कोच में दौड़ रहे चूहे। लखनऊ आ रहे यात्री ने कहा, प्रीमियम ट्रेन की व्यवस्था शर्मनाक। रेलवे की सफाई हमें खेद है। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। उत्तराखंड में रेड अलर्ट। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे बंद। असम में अब तक 62 की मौत। बंगाल गवर्नर बोले, दो विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक। राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर लिखा। संविधान के आर्टिकल 188 का हवाला भी दिया। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एमपी न्यूज़।